और खेल खेल में ही झुलस गई बच्ची। परिजनों ने पहुंचाया इकोना अस्पताल। डॉक्टरों ने आनन फानन में उसकी हालत बेहद नाजुक बताते हुए मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए किया रिफर। आप सभी का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सावस्ती जनपद के नवीन मार्डन पुलिस थाना सावस्ती के कटरा बाजार से है, जहाँ पर विक्रम के घर में परिजनों ने कपड़ा धुलने के लिए पानी गर्म कर तख्त पर रखा हुआ था। ऐसे में उन्हीं की 3 वर्षीय बेटी सगुन खेलते खेलते तख्त के पास पहुंच गई और तख्त पर रखा पानी उसके ऊपर ही गिर गया, जिससे वो झुलस गई। ऐसे में निजी साधन से उसे इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सगुन की हालत गंभीर बताते हुए उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रिफर कर दिया। डॉक्टरों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो डॉक्टरों ने बताया कि सगुन लगभग 60-70% जली हुई है, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई है। कटरा बाजार निवासी विक्रम की 3 वर्षीय पुत्री सगुन गर्म पानी से झुलसी, जिसके चलते उसे इकोना से मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे परिजन उसे एम्बुलेंस से लेकर बहराइच के लिए रवाना हुए। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती के कटरा बाजार की हट्टा, जहां पर यह मामला सामने आया। इस मामले में 3 वर्षीय सगुन पुत्री विक्रम बुरी तरीके से झुलस गई और उसे इकोना से बहराइच के लिए रेफर किया गया। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, परंतु हालत में सुधार होता न देखकर उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कपड़े धोने के लिए पानी गर्म कर परिजनों ने तख्त पर रख दिया था और उसी दौरान सगुन खेलते खेलते वहां पहुंच गई, जिसके चलते पानी उसके ऊपर ही गिर गया और वो बुरी तरीके से झुलस गई।